जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल होना चाहिए या नहीं। पहली बात तो ये कि मैं खुद इमरान खान की वोटर हूँ, सपोर्टर थी, अब सपोर्टर नहीं हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान में रहने वाली एक डॉक्टर हूँ। मैंने इमरान खान को सेहत के शोबे में जिन इस्लाहात के लिए, मुल्क में जिन इस्लाहात के लिए, जो जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, गरीबों के ऊपर जो उन्होंने खर्च करना था उसके हवाले से मैंने वोट दिया था। मैंने एक एक दिन, एक एक लम्हा देखा है कि पाकिस्तान की हालत बिगड़ रही है हर लिहाज से। चूँकि मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए मुझे पता है मेरे हलके में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं लाहौर में हूँ, मेरा ससुराल लाहौर में, यहाँ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये शफकत महमूद का इलाका है, ठीक है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। टक्के का काम नहीं हो रहा। मेरे पेरेंट्स जिस इलाके में रहते हैं वो किसका इलाका है, वहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे सब नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं जब अस्पताल जाती हूँ मुझे पता है, मैं रोड पर जाती हूँ मुझे पता है, मैं सब्ज़ी ले रही हूँ मुझे पता है, मैं ग्रोसरी कर रही हूँ मुझे पता है, कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, कैसे नीचे हो रही हैं, मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, मेरा बिजली का बिल बढ़ रहा है, मेरा हर चीज़ का बिल बढ़ रहा है। आजकल गैस की लोड शेडिंग शुरू है, गैस ही नहीं आती है, ठीक है, और अभी तो माशाल्लाह से हमें सिलेंडर लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर रहकर गरीब मरीजों को भी देखूँ, मैं बाहर ना जाऊँ, मैं वहाँ की सहूलियात भी इंजॉय ना करूँ, मुझे कुछ भी ना मिले और उसके बावजूद मैं यहाँ रहूँ, मैं पूरा पूरा हक रखती हूँ कि मैं वोट डालूँ, मैं डिसाइड करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहता है, बाहर की सहूलियात इंजॉय करता है, सेहत की बेस्ट सहूलियात आपको मिल रही हैं, टैक्स आपको हमारी तरह पागलों की तरह हर चीज़ पर अगर देना भी पड़ता है तो तब भी आपको सहूलियात पूरी मिलती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डाल, और स्पेशली वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, भाई आप अमेरिका में भी वोट डालेंगे, आप पाकिस्तान में भी वोट डालेंगे। खुद इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है कि कोई बंदा दो मुल्कों का वफादार हो जाए।